प्रथम तहलका न्यूज। पलवल जिले में आज के दिन कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने गुरुद्वारा सिंह सभा के साथ मिलकर ये कैंप लगाया था, जिस दौरान 45 साल से ऊपर के तकरीबन 290 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य महेश मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड 19 की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है, ऐसे में बचाव के लिए जरूरी है कि लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, किसी की मदद करें। उसी उद्देश्य को आज ध्यान में रखते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल, स्वयंसेवी संगठन पलवल, गुरुद्वारा सिंह सभा पलवल ने एक संयुक्त रूप से अपना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती मिसेज अंकिता अधिकारी, जो नगराधीश पलवल हैं, उनके करकमलों से उद्घाटन हुआ है। और ये शिविर में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ताकि वैक्सीन अपनी डोज लेने के बाद वो कोरोना काल में ये संक्रमण जो है उससे बचाव हो सके। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से, सभी से अपील है कि इस जैसा महामारी चली हुई है, और रेड क्रॉस का मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी महामारी से बचाव का कार्य करना, तो सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी जन सामान्य से एक अपील है कि हम इस जो कोरोना काल है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नियम की पालना करें। साथ ही साथ जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी का सहयोग करें। स्वयंसेवी संगठन के सदस्य जितेश कौशिक ने भी वैक्सीनेशन को सही बताया। उनकी माने तो जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के साथ 2 गज की दूरी का पालन करें। यहाँ पर जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, सभी को सेकेंड डोज देने का कार्य किया गया है, और ये स्वयंसेवी संगठन और रेड क्रॉस के साथ मिलकर 11वां हमारा कैंप है वैक्सीनेशन का, जिसमें अभी तक अप्रॉक्सीमेट 100 से ऊपर लोग डोज लगवा चुके हैं। और मेरे सभी से एक ही आग्रह है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सभी अपनी डोज लगवाएं और इस कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति पाएं। कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? सर, कोरोना की जो लहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सुनने में आ रहा है थर्ड फेज भी आने को हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, तो इसमें हमारी लोगों से यही अपील है कि घर में रहें, सेफ रहें, जितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो करें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही अति आवश्यक हो, और घर पर ही अपना इलाज करने की कोशिश भी करें। यदि आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से चेकअप करा के, उसका चेकअप करा के, अपना टेस्ट करा के, और उसका जल्द से जल्द इलाज करें, क्योंकि कई अभी देखने को मिल रहा है कि लोग बागों को बुखार आ जाता है और वो उसको नॉर्मल बुखार समझ के डिले कर देते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कारगर साबित हो रही है और ऐसे में ये वैक्सीन लगवाने आए हैं। हमने आज सेकंड डोज लगवाई है, हम चारों ने, हम परिवार के एक ही सदस्य हैं, तो मैं ये सभी से प्रार्थना करता हूँ और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सेकंड डोज है या फर्स्ट डोज है, जैसे भी हैं, वैक्सीन लगवाएं। कम से कम अपने दिल में ये तो रहता है एक कॉन्फिडेंस कि हमने वैक्सीन लगवाई है तो हमको उस तरह की प्रॉब्लम ना हो, और वैक्सीन सेंटर पर आने से पहले अच्छी तरह से मास्क मुँह ढक के आएँ, डिसिप्लिन मेंटेन करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे किसी दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। वैक्सीन जो है सभी 40+ लोग ज़रूर लगवाएं, और इसका सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव है, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगी आपकी और संक्रमण से बचाएगी, कोविड संक्रमण से बचाएगी आपको, इसलिए अधिक से अधिक लोग जो है 40+ लोग जरूर आए और लगवाएं। सेकंड डोज लगवाइए, सेकंड डोज लगवाएं, सेकंड डोज आपने लगवाई है, किसी तरह कोई परेशानी? जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है वो सेकंड डोज लगवाने के लिए जरूर अपनी सेकंड डोज लगवाएं। कोविड 19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए, हमारे डॉक्टरों ने इसे इजाद किया है और ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।